तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज का टिफिन डे टू। तो मैंने जहाँ लिया है आटा, गेहूं का आटा लिया है मैंने, एक कटोरी से सवा कटोरी मैं आटा ले लूँगी और साथ में ऐड करूँगी इसके अंदर अपना मल्टीग्रेन आटा, इसके 1, 2, 3 चम्मच डाल दूँगी, जितना फ़िलहाल गाइस इसमें है, 3 इज़ इनफ। तो मैं ये डाल दूँगी, मेरा आटा बनने वाला है तो आज मैं बना लूँगी। और इसी के साथ मैं डालूँगी इसके अंदर जीरा 1/2 चम्मच, जबकि दाल में था लेकिन दाल तो हमने खा ली थी, तो थोड़ी बहुत ही दाल है ना, 1 प्लेट कटोरी। और साथ में डालूँगी अजवाइन, जो बच्चों के पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, कीड़े मारती है बच्चों के पेट के। तो इस अजवाइन के साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, हल्का फुल्का, दाल में ऑलरेडी नमक है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डाल दूँगी क्योंकि बच्चे ने खा ली स्कूल में जा कर के, इसके साथ सॉसेज के साथ ही खाएगा तो मैं चाहती हूँ उसके अंदर पूरी एनर्जी जाए। तो गाइज़ मैंने जहाँ पे ली है दाल, दाल मतलब जो मेरी बच गई थी, तो ये हेल्दी दाल है, बच्चे खाते नहीं हैं तो रोटी के अंदर आराम से जाती है। और इसी के साथ मैं जो जो लाल मिर्च तड़के वाली थी वो भी डाल दूँगी, मैं एक्स्ट्रा मिर्ची नहीं डालूँगी लेकिन इसकी डंडी की बैक साइड जे निकाल के घेर दूंगी, बाकी डाल दूंगी इसी के अंदर। तो गाइस ना, अगर आपके घर में कोई सब्जी है, आलू मटर की बच्ची है या कोई दूसरी सूखी सब्जी है, तो आप इसी तरीके से आटे में अजवाइन, जीरा और मल्टीग्रेन आटा डालकर बच्चों को हेल्दी खाना दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो गाइस मैंने दाल सारी डाल दी है इसके अंदर, नमक मिर्च मसाला डाल दिया है ना, मैंने अनियन लिए हैं लेकिन अभी अनियन मैं बाद में डालूंगी, जस्ट पहले हम इसका आटा गूंद लेते हैं। तो गाइस मैंने दाल जहाँ डाल दी थी, अब मैं इसके अंदर दाल का जो कटोरी थी उसको भी मैंने वॉश करके इसी में ऐड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। तो गाइज़ मेरा आटा गूंद गया, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी, ताकि जो मैं ज़्यादा चाहती नहीं प्याज पूरी तरह मैश हो जाए, मैं इसको बीच बीच में चलाऊंगी। तो देखिए गाइज हमारा मिस्सी रोटी का आटा तैयार है, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस। आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, जैसे सारा मेरे पास फूड प्रोसेसर है, जब से मेरे पास है मैं तब से इसी में आटा गूंदती हूँ, जब मुझे हाथ से गूंदना होता है तो मैं कई बार हाथ से भी गूंद लेती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आप मैश कर लीजिए दाल को, दाल तो वैसे घुल जाती है, आलू को थोड़ा सा पोटैटो को मैश करना होता है। तो गाइस मैंने तवा गर्म करने रख दिया है, आलमोस्ट होने वाला ही है, तवा गर्म हो गया, मैंने चपाती अपनी परौंठी डाल दी है मिस्सी रोटी की। तो गाइज मेरी एक परौंठी तैयार हो गई है, मैं 2 तैयार करूँगी। तो गाइज आज मेरे पास सिल्वर फॉल मेरी ख़त्म होगी, तो मैं क्या करूँगी, नैपकिन 2 लूँगी, बड़े अच्छे वाले नैपकिन हैं, इसको मैं उल्टा कर दूँगी जिससे कि कलर ना जाए, और मैं बीच में रख दूँगी इसकी 2। एक परौंठी में पहले मैं सॉस लगा दूँगी, थोड़ी सी स्प्रेड कर दूँगी पिज़्ज़ा की तरह, जिससे कि वो बच्चा घर स्कूल में आराम से रोली पोली इसकी कर दूंगी। तो मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, बीच में से आप कटिंग करना चाहते हो तो कटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस मैंने इसको फोल्ड कर दिया है रोल पोल कर, अब मैं इसको भी ऐसे कर दूंगी और टिफिन लूंगी, उसमें इसको डाल दूंगी, इसको पैक करूंगी, साथ में मैं एक छोटी डिब्बी दे दूंगी और उसमें डाल दूंगी 5 मैं बादाम डाल दूंगी और कुछ उसके फेवरेट मखाने हैं, मैं साथ में मखाने रख दूंगी, और साथ में रखूंगी एक नैपकिन, और साथ में रख दूंगी उसकी फेवरेट एक चॉकलेट, जिससे वो खाना खा के वो खा लेगी, वेफर्स हैं, वेफर्स वाली चॉकलेट है वो रख दूंगी। तो लीजिए गाइस टिफिन तैयार है स्कूल में जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए। So thank you for watching.